हेलो एवरीवन, हेलो नमस्कार। क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स विरासत सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में मैं क्षितिजा सहस्रबुद्धे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विरासत ये जो सीरीज है उसका आज दूसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले एपिसोड में वेरी यंग एंड टैलेंटेड तबला प्लेयर ईशान घोष हमारे साथ थे और उन्होंने हमसे बातचीत की। और आज हमारी जो गेस्ट है आप सब उनको आई एम श्योर जानते हैं, उनके बचपन से हम उनका गाना सुनते आ रहे हैं और शी इज़ अ वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट एंड ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज वो मेरी गुरु भगिनी भी है। तो मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि शी इज़ गोइंग टू जॉइन अस वेरी सून और हम उनसे बातें करेंगे। थिंक शी इज़ हियर। और उनका नाम है मुग्धा वैशंपायन एंड शी इज हियर। हाय, हेलो। हाय मुग्धा, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो मुग्धा, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मुग्धा को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर और मेरे पास जो है अगर मैं वो सब बताऊंगी तो हमारा पूरा एपिसोड वैसा ही चला जाएगा। तो बहुत कुछ ही मैंने जो सिलेक्ट किए हैं, मैं अभी मुग्धा के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मुग्धा अभी जयपुर ग्वालियर आगरा घराने की श्रेष्ठ गायिका विदुषी शुभदाताई पराड़कर उन्होंने वो तालीम ले रही है और उनके जो पुरस्कारों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। कुछ मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है रायगढ़ भूषण, कला भूषण, शाहू मोड़क पुरस्कार। 2016 में माणिक वर्मा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। 2017 में षणमुखा संगीत शिरोमणि, 2018 में वसंतराव देशपांडे युवा पुरस्कार, 2019 में कल्याण कोकण रत्न पुरस्कार और 2016 में अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की संगीत विशारद परीक्षा मुग्धा ने विशेष प्रावीण्य के साथ वो उत्तीर्ण की है। और इसके अलावा म्यूजिक एल्बम्स और सीरियल के टाइटल सॉन्ग्स और बहुत से फिल्म के लिए उन्होंने गाया भी है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सुमुग्धा, वाव, बहुत से लोग जुड़ गए हैं अभी। मुग्धा, फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड। आपके घराने में कोई आपको कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड है या कोई ऐसा गाने वाला है
जिसके कारण आपको वो आपका आपको वो संस्कार मिला संगीत का? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया इंस्टाग्राम लाइव. आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन. मेरे दादाजी वो थे जो उन्हें वो क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था. तो 30 40 साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं. उस टाइम देर वर नो यूट्यूब, नो टीवी, नथिंग वॉज देयर. सो ही यूज टू लिसन टू ऑल क्लासिकल म्यूजिशियंस वेन जो रेडियो पे लगता था वो रात भर पूरा चलता था, और ही यूज टू लिसन टू दैट. एंड उनकी वजह से मेरे पापा को बहुत इंटरेस्ट निर्माण हुआ, और वो भी उनके साथ सुनने लगे. तो शायद वो हेरिडिटरी जीन्स की वजह से कुछ इंटरेस्ट मुझे भी थोड़ा निर्माण हुआ होगा. तो या दैट्स द रीजन आई चूज म्यूजिक एज माय करियर. मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनली नहीं था, पर अच्छा नहीं गाना हमेशा एब्सोल्युटली आपके नो. घर में है. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड मुग्धा, हम सब ने आपको, आप बहुत छोटी थी तब से आपका गाना सुना है, और आपने रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, मराठी रियलिटी शो में. और आप जो गा रही थी, ओ माय गॉड, मैंने भी वो पूरा सीजन देखा देखा. एक्चुअली वो पूरा सीजन ही बहुत ही अच्छा हुआ. ऑब्वियस आप बहुत अच्छा गा रहे थे, सभी फाइनलिस्ट. तो उस जर्नी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे. वो जर्नी बहुत ही अच्छी हुई. ऐसा होता है कि हमारे देश में या हमारे राज्य में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन उन सबको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती. सो फॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन विथ मी. मी थोड़ा सा मराठी पण बोलते, कारण भरपूर मराठी लोक पण जॉईन होताना दिसतात, आणि काही गोष्टी मी अगदी मराठीत अगदी जास्त छान सांगू शकेन. अगदी अगदी सारेगमप ची जी अपॉर्च्युनिटी, दॅट वॉज द बेस्ट एवर आय कॅन से, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लॅटफॉर्म मिला. और जो एक एक कलाकार लोगों की लोकांजवळ पोहोचण्यासाठी जी एक बेसिक गरज असते, सो आय गॉट दॅट ड्यू टू सारेगमप. त्याच्यामुळे खूप खूप एक तर छान प्लॅटफॉर्म होता, आणि खूप लहान वयात आपण कसं गायलं पाहिजे लोकांसमोर, किंवा हाऊ वी शुड ट्रीट विथ पीपल अँड हाऊ टू मॅनेज एव्हरीथिंग. सो ये बहुत अच्छा उधर एक्सपीरियंस मिला. और उधर ऐसा रहता था कि एक चार चार दिन थे, और चार सॉन्ग्स वी यूज टू प्रिपेयर, एंड उसमें से कोई एक गाना सिलेक्ट होके वो हम लोग परफॉर्म करते थे. तो 4 दिन में 4 गाना प्रिपेयर करना और उसमें से एक गाना गाना, या दैट वाज द टास्क. सो उसकी आदत पड़ गई, और सभी चीजें कुछ फास्ट करनी चाहिए ऐसे. असं त्याला म्हणजे हा म्हणजे हे शिकवलं गेलं मुळात, कारण बरेचदा असं होतं की खूप छान लोक गात असतात, पण तो प्लॅटफॉर्म मिळत नाही आणि त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचता येत नाही. त्यामुळे कितीही आपण छान गात असलो तरी तो जो एक प्लॅटफॉर्म मिळायला लागतो तो खूप महत्वाचा असतो, आणि मला असं वाटतं की सारेगमपमुळे हा प्लॅटफॉर्म खूपच चांगला मिळाला. अगदी अगदी. आणि हो, म्हणजे तुझे मी काही इंटरव्ह्यूज पण ऐकले, तर तू तेच म्हणालीस की म्हणजे खूप छान लर्निंग प्रोसेस होती ते, आणि ते हो खूप अगदी महत्वाचं अगदी आहे. आणि मला वाटतं तू सगळ्यात लहान हो या होतीस, या पण म्हणजे खूपच ते छान झालं. आणि त्यानंतर पण तुझं जे गाणं होतं ते पण तू कंटिन्यू केलंस, आणि बहुत से प्रोग्राम में हमने आपको सुना, हर जगह सुना. और मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी है आपकी, तो थैंक यू. इट्स ग्रेट. मुग्धा, मैं और एक पूछना चाहूंगी कि
मुझे बहुत क्यूरियस मैं बहुत क्यूरियस हूँ अबाउट दिस कि आपको रियलिटी शो में इतना फेम मिलने के बाद बहुत प्रसिद्धि मिलती है और उसकी आदत हो जाती है, क्योंकि आई थिंक वो 6 to 8 months का बहुत लंबा या पीरियड चल हमारा जो होता है. शेड्यूल था दैट वाज द फर्स्ट जो इतना लंबा लंबा था और ऑलमोस्ट 8 months दैट वाज गोइंग ऑन. सो बिकॉज ऑफ पब्लिक हाँ डिमांड. दैट्स एब्सोल्युटली. वंडरफुल. हाँ, तो ये सब मिलने के बाद आपने फिर से डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे शास्त्रीय संगीत पे ज्यादा ध्यान देना है और वो सीखना है, गायकी अंग से सीखना है. तो ये मुझे बहुत कमाल लगता है, क्योंकि ये इजी नहीं है, क्योंकि आपको आप उस इन्वायरमेंट में होते हैं कि आपको सिर्फ आगे ही जाना होता है, तो हमेशा ऑडियंस आसपास हो, वो एक आदत हो जाती है. पर आपने ऐसा नहीं किया, आप थोड़ा सा पीछे आके फिर से आपका वो सीखने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ. और ऐसा नहीं, आपने शुभदा ताई के पास आप गई सीखने के लिए. तो आई वुड लाइक टू नो हाउ यू डिसाइड दैट. आपको किसी का गाना अच्छा लगा या क्या था उसके पीछे रीजन? मैंने पहले भी बताया मेरे दादाजी यूज टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक एंड माय फादर यूज टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक बिकॉज ऑफ हिम. सो हमारे घर में जो बेसिक जो वातावरण रहता है वो क्लासिकल म्यूजिक का ही था. खूप म्हणजे खूप आधीपासून हे सगळं होतं आणि दॅट वॉज द रिझन माय बाबा टोल्ड मी की क्लासिकल तो सीखना ही चाहिए. और वी आर लाइक पीपल वेयर वी लाइक ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ म्युझिक वेदर इट इज क्लासिकल लाइट. पण असं असतं की कोणतीही गोष्ट शिकण्या म्हणजे कोणतीही गोष्ट आपण त्याच्यात करिअर करण्यासाठी क्लासिकल शिकणंही पडतं आहे और वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टंट है. और ये एक रिझन था लेकिन बहुत बड़ा रिझन ये था हम सब लोगों को क्लासिकल बहुत ज्यादा पसंद है. और म्हणजे असं होतं ना की आपण दिवसभर खूप काही काही वेगवेगळं ऐकत असतो आणि जेव्हा आपण गजानन बुवांची भैरवी ऐकतो किंवा असं असं जे जे आपल्याला प्रचंड आवडतं ते ऐकतो तेव्हा तेव्हा तो दिवस खूप छान संपतो आणि तसं आमचं सगळ्यांचं होतं. सो दॅट आणि वॉज द ते रिझन कुठेतरी आय खूप दिवस डोक्यातून जात नाही, हे येस येस मला आणि वाटतं. हा म्हणजे कितीही आपण काही गायलो दिवसभर तरी यार कुछ तो मिस हो रहा है यस, ऐसा ऐसी फीलिंग आती है. तेच सो एक शास्त्रीय संगीताची तीच एक जादूच आहे ती, मैं की मला असं वाटतं एकदा की तुम्ही दॅट त्यात इज द घुसलात की कॉन्स्टंट तुम्ही ते निघत नाही. शाश्वत आहे आणि त्याच्यामुळे जी शांती मिळते किंवा ते जे सुख मिळतं ते दॅट इज आय कॅन्ट एक्सप्रेस दॅट वर्ड. सो दॅट वॉज द मुझे रिझन शुभदा ताई आय की याद स्टार्टेड आई अभी, लर्निंग. वो ऐसा ही बोलती है कि यस, जो आनंद जो मिलता है हाँ शास्त्रीय संगीत में, जो वो एक्सपीरियंस करता है उसको ही वो पता चल जाता है. ऐसा वो या हम एब्सोल्युटली शब्दों में एब्सोल्युटली तो हम बयां ही नहीं कर सकते उसको. तो या दैट दैट वाज वंडरफुल. मुग्धा, आप ग्वालियर आगरा गायकी सीख रही है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि शुभदा ताई की गायकी के बारे में मैं तो जानती हूँ, पर आप आपका क्या आपकी क्या राय है और आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे ग्वालियर आगरा गायकी बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है. म्हणजे मला असं वाटतं की मी खूप लहानपणापासून ग्वालियर आगरा ऐकायला लागले बाबांमुळे अर्थात. आणि त्याच्यानंतर असं होत गेलं की हेच मला आवडतंय म्हणजे सगळ्या घराण्यांपैकी ह्याच्यातच मला जास्त इंटरेस्ट आहे. म्हणजे मी ह्याच्याचकडे अट्रॅक्ट होतीये किंवा हेच गाणं मला आपलं वाटतंय किंवा हवं हवं असं वाटतंय असं होत गेलं. आणि त्याच्यानंतर मग म्हणजे फॉर्चुनेटली मैं जो सीखने लगी क्लासिकल वो उस टाइम कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि इतने सारे घराने होते हैं और इसमें से हमको क्या चूज करना चाहिए ये कुछ भी पता नहीं था. सिर्फ अच्छा लेकिन लगता है हाँ सिर्फ क्या? अच्छा लगता था और ये भी पता नहीं था कि मुझे कौन सा घराना कौन सी स्टाइल अच्छी लग रही है. सिर्फ सुनने के बाद ये ध्यान में आता था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन उसे क्या बोलते हैं ये क्या है
मुझे ये सीखना है, ये कोई भी पता नहीं था, क्योंकि घर में म्हणजे शिकलेलं कोणीच नव्हतं आणि सगळ्यांना ऐकायची यस आवड यस होती, पण फॉर्च्युनेटली सगळ्यांना ग्वाल्हेर आग्र्याची एक्झॅक्टली आवड होती. सो दॅट वॉज द रिझन म्हणजे मी ग्वाल्हेर आग्राकडे अट्रॅक्ट झाले. त्यामुळेच मला असं वाटतं की ही गायकी खूप अट्रॅक्टिव्ह आहे, रसिकांना खूप लगेच अट्रॅक्ट करून घेते. आणि म्हणजे शुभदाताई असं कायम म्हणतात, मी मराठीतच सांगते कारण त्या खूप छान सांगतात हे, त्या असं कायम सांगतात की ग्वाल्हेर आग्रा घराण्याची जी गायकी आहे ती कितीही म्हणजे असं आपण म्हणू नये, पण कितीही न्यू लर्न म्हणजे बिगिनर्स जर कलाकार असले तरी एका ठराविक लिमिटच्या खाली ते गाणं होऊ शकत नाही. म्हणजे त्याला एक वाह बेसिक या या स्वतःची लेवल आहे, अब्सोल्युटली आणि त्या लेवल यस पर्यंत यस अगदी बेसिक लोक सुद्धा त्या लेवल पर्यंतच गातात. सो मला असं वाटतं की ही ग्वाल्हेर करेक्ट आग्राची खासियत आहे. आणि एक अगदी तर स्वराला जेवढं महत्व आपण देतो तेवढंच आपण तालाला महत्व देतो, आणि ही खूप महत्वाची गोष्ट यस वाटते यस यस मला, यस कारण स्वर जितके महत्वाचे अगदी आहे तितकेच ताल महत्वाचे, तितकाच ताल महत्वाचा आहे, आणि अब्सोल्युटली त्याच्यामुळे ग्वाल्हेर आग्रा हे बेस्ट आहे. सगळं गाणं लयीच्या अंगाने जातं येस त्यामुळे, येस अब्सोल्युटली. आणि खूपच मस्त. आणि मी तुझे काही पाहिले परफॉर्मन्सेस. मुग्धा, किती वर्ष झाले तू शिकतेस शुभदाताईंकडे? शुभदाताईंकडे मी आता 2 अडीच वर्ष होत आहेत. वाव, आपकी जो ग्रोथ है वो थैंक मतलब बहुत ही कमाल की है. और मैंने आपका रिसेंट भी आपका सुना गाना कॉन्सर्ट में, तो यू, थैंक यू सो वाज मच, वंडरफुल. थैंक तो यू. या अभी यहाँ पे जो व्यूअर्स है वो उनको आपका गाना सुनना है. अभी गायकी का निकला है विषय, तो कुछ बंदिश खास ग्वाल्हेर आगरा घराने. ग्वाल्हेर घराने, ग्वाल्हेर आगरा घराने के बहुत सारे राग फेमस है. मुझे तो सारे राग बहुत पसंद है. आई कैन नॉट चूज एनी वन फ्रॉम ऑल ऑफ द रागाज, सो नाउ आई विल चूज हमीर, क्योंकि हमीर वाह हमीर बहुत ज्यादा पसंद है. या और हमीर में वो ग्वाल्हेर का अंग, वो आगरा का अंग, वो एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा या प्रोमिनेंटली दिखता है. सो आई विल चूज हमीर. श्योर श्योर यस यस सुनाई दे रहा है बराबर? ठीक हे मैं गो
प्यार है तो अरे बर हो पे दिया कर आ अच्छा दे जतन दे हो बदा सुर जन सो मिला बिना देखे रे शाम सदा रंग मन हर ले वाह वाह वाह, खूब सुंदर, थैंक मस्त। यस, मिरचीची मजाच एक आहे की यू. दोन मिनिटात ते सर असं आगाचं वातावरण तयार वातावरण, करून यस जातो आणि ते तू ऍब्सोल्युटली. केलं। थँक्स, थँक यू, थँक यू. अमेझिंग। मुग्धा, शुभदा ताई के सिखाने के बारे में मैं और आपको पूछना चाहूंगी कि कैसा है और आप कैसा सीखती हैं और आपका उनका रिलेशन कैसा है? बहुत ही अच्छा रिलेशन है. 2 ही साल हुए मैं उन्हीं के पास सीखने लगी हूँ, और बहुत ही स्वीट स्वभाव है उनका. और मुझे इतका एक्सीलेंट। लगे हमसे बॉन्डिंग झालं कि ओहो, हे वर्णन नाही करू शकत, की हे अनएक्सपेक्टेड आहे खरं तर. मी अगदीच कारण समजू शकते। हाँ, कारण हे खूप खूप अनएक्सपेक्टेड आहे, इतकं छान रिलेशन निर्माण होणं 2 वर्षात. सो दॅट इज सच ए रिअली गुड न्यूज. आणि हे त्यांचं खूप छान जेस्चर आहे असं मला वाटतं. आणि त्या जे काही शिकवतात ते फक्त ऐकतानाच इतकी मजा येत असते. म्हणजे त्या कायम असं म्हणतात की जब हम खुद गाने का मजा लेते हैं तो जो ऑडियंस है उन्हें भी इतना ही मजा आता है. सो यस वो यस, उनका जो वाक्य है एग्जैक्टली, वो बहुत ही या या एकदम काय म्हणेन मी, एकदम असं चपखल बसतं की त्या म्हणतात ते प्रत्येक वाक्य आपण जेव्हा असा विचार करतो की अरे हा हे असंच आहे खरं तर. आणि त्या इतकं छान समजावतात प्रत्येक वेळी, त्यामुळे त्या कमाल आहेत. अगदी अगदी दॅट्स अगदी, म्हणजे आणि इतका एवढी मोठी व्यक्तिमत्व, एवढ्या मोठ्या ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली, असून पण एकदम डाउन टू खूपच अर्थ आणि अगदी इतक्या अगदी अगदी साध्यापणे, म्हणजे अगदी घरातलं अगदी कोणी आपल्याला कसं शिकवेल अगदीच आणि अगदीच समजून अगदी सांगेल असं ते असतं, ऍब्सोल्युटली. त्यामुळे खरंच खूप भाग्यवान आहोत आपण हो शिकतोय। अगदी अगदी, आणि यस, सो मुग्धा, और ऐसे कौन से घराने हैं जिनका आपको जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं और आपको पसंद है? किराना घराना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो घराने के जो ताना है वो बहुत ही अच्छा है. भीमसेन जी जो लय, जिस लय पे ताना गाया करते थे वो बहुत ही, आई थिंक दैट इज द रेयर. लाइक नाउ मुझे आता पण ते फार असं बघत नाही की इतक्या कमाल लयीमध्ये ताना आहेत आणि त्या प्रॉपर किराण्याच्या ताना आहेत, असं खूप खूप रेअरली ऐकायला मिळतं. म्हणजे व्यंकटेश जी आहेत किंवा ज्योतिर्थ मेहुंडी जी आहेत ह्यांच्याकडूनच ते इतकं प्रॉमिनेंटली, किंवा आनंद दादा आहेत, आनंद भाटे आहेत, त्यांच्याकडूनच ते असं प्रॉपर ऐकायला मिळतं. त्यामुळे आय लाईक किराणा घराणा ऑल्सो. मुग्धा, और एक है कि बहुत रिसेंट वाला और कॉमन जो अभी क्वेश्चन एक मैं पूछने वाली हूँ कि पिछले साल लॉकडाउन था और पूरा साल ऑलमोस्ट गया और हम सब घर पे थे, तो आपका कैसा रहा? और आपने हमने तो देखा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी और सोशल मीडिया के थ्रू आप और हम कनेक्ट हो रहे थे, तो वो कैसा रहा और उसके बारे में? या लॉकडाउन वॉज
गुड न्यूज फॉर मी, क्योंकि मैं जब 10th पास हुई तो मैं मुंबई शिफ्ट हुई गाना और फर्दर स्टडीज के लिए. सो आई वॉज नॉट एबल टू बी हियर इन अलीबाग. सो मैं आई बाबांच्या बरोबर किंवा माझ्या बहिणीबरोबर मी जास्त वेळ घालवू शकत नव्हते तेव्हा. आणि इवन असं व्हायचं कि दिवाली जब होती है तब बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, और सारेगामापा के बाद ये सब शुरू हुआ. तो आई कांट रिमेम्बर कि मी कधी दिवाळीच्या वेळी घरी आहे. सो ह्या वेळी तो पहिल्यांदा असं झालं कि मैं जब दिवाली के टाइम पे घर घर में थी, आई बाबा के साथ थी. तो दैट वॉज सच अ गुड न्यूज. एंड 12 वर्षांनी मी ऑलमोस्ट कंटिन्युअस अशी 7-8 महिने अलिबागला घरी आहे, त्यामुळे आई बाबांबरोबर राहता आलं, अलिबागला राहता आलं बेसिकली. त्यामुळे त्याचा खूप आनंद झाला. आणि प्रत्येक कलाकार त्यांच्या परीने लॉकडाऊन जास्तीत जास्त छान करण्याचा प्रयत्न करत होते, अँड एव्हरी वन वॉज ट्राईंग टू एक्सप्लोअर व्हेरियस थिंग्स. सो मैंने मुग्धा वैशंपायन ऑफिशियल नाम से मेरा यूट्यूब चैनल शुरू था, लेकिन आई वॉज नॉट दैट एक्टिव ऑन दैट ड्यू टू टाइम टाइम नहीं मिलता था अभ्यास आणि सगळं करण्यामुळे. सो लॉकडाऊन मध्ये मी ते खूप जास्त ऍक्टिव्ह झाले त्याच्यावर. आणि मैंने यादों में नाम की एक सीरीज की, जिसमें मैं हमारे मदन मोहन जी, एस डी बर्मन जी, आर आई डी हर्ड बर्मन दोस, जी, इट वाज या ग्रेट. थैंक यू. सो आई डिड ऑल दैट. एक एक म्यूजिशियन लेती थी और एक हफ्ते में मैं हर आई थिंक थर्सडे आई यूज टू अपलोड वीडियो, एंड उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला. सो पहले क्या होता था कि हम किधर जाते थे और उधर गाते थे, और प्रोडक्शन के बाद मैं प्रोडक्शनच सगळं शूट करायचं, त्यामुळे आपल्यावर काहीच तशी जबाबदारी नसायची. सो ह्यावेळी असं झालं, मी स्वतःच गात होते, मी स्वतःच रेकॉर्ड करत होते, मी स्वतःच शूट करत होते, आणि आय वॉज द ओनली वन की मीच एडिट पण करत होते व्हिडिओ. सो ऑल दॅट वॉज अल डिपार्टमेंट्स हा यू हॅव या टू हँडल. दॅट वॉज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स, कारण एडिटिंग शिकले मी, किंवा भरपूर गोष्टी एक्सप्लोअर केल्या लॉकडाऊनमुळे. त्यामुळे युट्यूब चॅनलची ग्रोथ झाली आणि खूप छान रिस्पॉन्स मिळतोय त्याला अजूनही. आणि लॉकडाऊन सार्थकही लागला असं म्हणेन मी. अभी मदन मोहन जी का आपने किया जिक्र, तो दो लाइंस कौन से थे? एक ही मिनट. हाँ, मुग्धा, इसके बाद और एक सवाल है जो थोड़ा सा वॉइस कल्चर के बारे में है. तो आप पहले गाना सुनिए, फिर मैं आपको कुछ. ओके. मदन मोहन जी का अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, सॉरी. लेकिन सलील चौधरी जी भी मुझे बहुत ही पसंद है. तो सलील चौधरी जी का भी मैंने एक एपिसोड किया था, तो उनका एक एक बहुत ही मीठा गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है. सो आई विल सिंग दैट. डेफिनेटली. ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं रिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे ना. जीना भूले थे कहाँ, याद नहीं तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आए वही. जीना भूले थे कहाँ, याद नहीं तुझको
तुझको पाया है जहाँ, सांस फिर आ जिया ना देना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया ना देना, ना जिया ना देना। वाह थैंक वाह अमेजिंग. जसं ऐकतच राहावं वाटतंय असं होत यू, आहे. थैंक यू। ओके दॅट वॉज येस. सो कमिंग टू वॉइस कल्चर, मुग्धा आपने लाइट भी गाया है, आपका उसके ऊपर भी अभ्यास है और क्लासिकल का तो है. तो मुझे पूछना है कि हमारा जो आवाज है उसका जो लगाव है वो दोनों जॉनर का जब हम गाते हैं तो वो पूरा अलग अलग होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आवाज जो हम लगाते हैं गाने गाने के समय, तो लाइट के लिए वो थोड़ा अलग होता है, क्लासिकल के लिए वो थोड़ा अलग होता है। लाइट के लिए आई थिंक लाइट म्यूजिक में ज्यादा इमोशंस को ज्यादा हम लोग प्राधान्य देते हैं, तो वो वैसा लगना चाहिए आवाज, मुझे ऐसा लगता है। और क्लासिकल में भी इमोशंस हम लोग देते ही है, लेकिन उसका प्रपोर्शन थोड़ा कम है क्योंकि उधर बहुत चीजें होती है, सुर होता है, लय होता है, और हमारी जो गायकी है वो ज्यादा लय प्रधान गायकी है, तो वो एक क्या म्हणू मी, आपण आक्रमकपणे गातो, आपली गायकी थोडी आक्रमक आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यात आपण इमोशन्स जास्त आक्रमकपणे दाखवू शकत नाही। सो त्याच्यात मला असं वाटतं की आवाज लावण्याची पद्धत ही खूप खूप जास्त इमोशन्सवर डिपेंड करते, आणि म्हणजे करेक्ट. प्रत्येक गाण्यासाठी आपला एक वेगळा टोन असतो किंवा त्या गाण्याचा भावार्थ काय आहे हे समजून आपण आवाज लावतो। आता एखादं खूप सॉफ्ट गाणं असेल तर तिथे आपण, जसं मी आता हमीर मध्ये गायले तसं तिथे गाऊन उपयोग नाहीये। सो तिथे नाही ती आवाज लावण्याची करेक्ट. पद्धत वेगळी आहे। सो मला असं वाटतं की आवाजाचा रियाज जो आपण करतो, जो ओंकार किंवा जो खर्जाचा रियाज आहे, ती ही एक खूप वेगळी गोष्ट आहे। पण जेव्हा आपण स्टेजवर गातो त्या त्यावेळी मला असं वाटतं की जे गाणं आपण गातोय त्याचा अर्थ किंवा त्याचा भावार्थ समजून जर आपण आवाज लावला तर नथिंग लाईक दॅट। एक्झॅक्टली. या ॲब्सोल्युटली राईट. या आणि ते हमें हमने वो देखा, आपने जो हमीर गाया और ये जो अभी गाया जिया लागे ना, वाओ. थैंक यू। मुग्धा अगेन मैं क्लासिकल म्यूजिक पर आऊंगी. अभी जो हमारी जनरेशन है जो संगीत सीख रही है, शास्त्रीय संगीत, तो आपको क्या लगता है? मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनका मत है कि अभी कम हुआ है शास्त्रीय संगीत, और ऐसे भी है कि नहीं, फ्यूचर तो अच्छा ही है, बहुत ब्राइट है. तो आपको क्या लगता है? आय थिंक वी शुड गेट गोईंग, कारण मला असं वाटतं की आपणच आपलं संगीत जोपासलं पाहिजे आणि त्याचं संरक्षण, संरक्षण नाही म्हणणार मी, पण आय विल से की ते आपण आपल्या परीने सांभाळलं पाहिजे असं म्हणेन मी। कारण जो जो हमारी यंग जनरेशन है, मुझे ये बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि बहुत सारे यंग जनरेशन क्लासिकल की एब्सोल्युटली. तरफ अट्रैक्ट हो रही है, देर आर और ये सो बहुत मेनी ही हु आर सो डूइंग मेनी वेरी पीपल वेल. लर्निंग वेरी वेल, एक्सप्लोरिंग वेरी वेल, सिंगिंग वेरी वेल। सो आई थिंक जर असंच हे सुरू राहिलं तर मला असं वाटतं की क्लासिकल ची चिंता कोणीच करू नये, कारण खूप छान पद्धतीने यंग जनरेशन ते एक्सप्लोर करते, आणि जसे आपल्याला आपले गुरु शिकवतात त्याप्रमाणे त्या गोष्टींचं जास्तीत जास्त आपण पालन करण्याचा प्रयत्न करतोय। सो हर एक कलाकार की यह जिम्मेदारी है कि वी शुड एक्सप्लोर दैट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, कारण बरेचदा असं होतं की क्लासिकलच्या आई वॉज जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन. क्लासिकलच्या म्हणजे क्लासिकलच्या निमित्ताने बहुत सारा गिमिक्स आ जाता है, और उसमें से वो जो उसका जो
जे त्याचं जत प्योरिटी त्याचं हाँ जो प्योरिटी आहे किंवा जे शुद्धता आपण क्लासिकलचा कहते प्राण आहे ते थोडंसं नाही नाहीसं नाही झालं पाहिजे. मिसिंग या दिस इज लाईक नाऊ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण आपणच ते आता पुढे नेणार आहोत. सो प्रत्येकाने हे जर सांभाळलं यस तर यस क्लासिकल खूपच व्यवस्थित, म्हणजे असं असं खूप लोक म्हणतात की या या क्लासिकल क्या होगा क्लासिकल का, और सुनने के लिए बहुत लोग नहीं आते हैं. पण मला असं वाटतं की जर आपण ते छान पद्धतीने प्रेझेंट केलं, जर लोकांना अट्रॅक्ट केलं, लोकांना 2 तास पूर्ण क्लासिकलची मैफल ऐकवण्याची कपॅसिटी आपल्या गाण्यातून निर्माण केली, तर मला असं वाटतं की क्लासिकल कडे लोक नक्कीच अट्रॅक्ट होतील, कारण तेवढी ताकद त्याच्यात यस आहे. हाँ या एग्जैक्टली बिकॉज वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट कि हम कैसे ऑडियंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, को कैसे परफॉर्म अट्रैक्ट कर रहे कर हैं. या सकते या हैं या और वो जो प्योरिटी है वो डिस्ट्रॉय ना दैट इज द होते मेन हुए थिंग कि प्योरिटी प्योरिटी या थोड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए. वो या जैसे बुजुर्गों ने पेश किया है, ये बात तो है कि हम लोग उतना नहीं प्रेजेंट कर सकते, लेकिन उसकी प्योरिटी यस जैसी है वैसे ही रखने के लिए तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और वो एटलीस्ट हम हम लोगों ने कोशिश करना कर चाहिए. सकते हैं या या यस यस थिंक दैट्स अमेजिंग मुग्धा यू आर डूइंग वेरी वेल इन एकेडमिक्स टू ओके योर एकेडमिक साइड इज ऑल्सो सो वेल एंड आप स्टैटिस्टिक्स में आपने बीएससी किया है ग्रेजुएशन आपका हुआ है तो फिर से यही सवाल कि इतना सब अच्छा चल रहा है तो साइंस की तरफ आप क्यों गई और उसके पीछे क्या आपका थॉट था या मेरे मुझे बचपन से ही साइंस बहुत ज्यादा पसंद था, और अगर मैं सारेगामापा नहीं होता, मैं म्यूजिक में नहीं आती, तो आई थिंक म्हणजे मी काहीतरी सायन्स मधनच केलं असतं. म्हणजे लहानपणी आपण असं प्रत्येक जणच म्हणत असतो, आज मी ऍस्ट्रॉनॉट होणार आहे, उद्या मी सायंटिस्ट होणार आहे, असं करेक्ट प्रत्येकाचं काही ना काही असतं, तसंच होतं माझं. पण दॅट वॉज रिलेटेड टू सायन्स ओनली, सो मुझे सायन्स बहुत ही ज्यादा पसंद था. लेकिन ये थोड़ा विचार मैंने किया कि म्यूजिक कर रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, तो साइंस करना बहुत बहुत आसान नहीं था. प्रैक्टिकल्स भी होते हैं. 12th के बाद एग्जैक्टली जब बीएससी मैंने चूज किया, तो उधर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स थे. आई 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 यूज टू गो टू कॉलेज बाय 7 AM एंड आई यूज टू कम बैक बाय 3 PM. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे शुभदाताईंना पण माहिती आहे की मी 7 ते 3 कॉलेज केल्यानंतर त्या जेव्हा चेंबूरमध्ये येतात तेव्हा त्यांच्याकडे शिकायला जात होते. सो ही खूप तारेवरची कसरतच होती. पण मला म्हणजे मैंने ऐसा डिसाइड किया था की 12वीपर्यंत म्हणजे मी शिकली ऑलरेडी, 12वीपर्यंत जर मी सायन्स केलंय तर पुढच्या 3 वर्षांसाठी मी म्हणजे मी असं खूप आधी करू म्हणाले होते की शकेल जर 12वी सायन्स पर्यंत मला जर हे सगळं मॅनेज नाही झालं तर मग मी आर्ट्स करीन किंवा मी चेंज करीन. पण मैंने 12th तक किया, तो ऐसा सोचा कि अब 12th तो हो गया है तो बीएससी भी कर लेते हैं, कुछ आगे मैनेज भी कर करेंगे. सकते हाँ तो तसा केला आणि ते झालं फॉर्चुनेटली. वाह सो मुग्धा एकेडमिक का आपको कुछ गाने में हुआ उसका जो कुछ फायदा आपको गाने में हुआ या गाने का कुछ फायदा एकेडमिक्स में हुआ तो आई से कि गाना और अभ्यास, ये म्हणजे स्टडीज, तर हे दोन्ही मॅनेज करताना बरेचदा असं होतं की अभ्यास करून खूप कंटाळा येतो आणि आपल्याला काहीतरी वेगळं करावं वाटतं. सो मी हे टाइम शेड्यूल असं केलं, जेव्हा मला अभ्यासाचा कंटाळा यायचा आय यूज टू सिंग, जेव्हा मला गायचा कंटाळा यायचा तेव्हा आय यूज टू स्टडी, आणि असं मी मॅनेज केलं. त्यामुळे दोन्ही गोष्टींचा फायदा मला दोन्हीकडे झाला, एक्झॅक्टली कारण तो एक म्हणजे माझे आई बाबा मला कायम सांगतात की आपण जे कामात बदल करतो तीच आपल्यासाठी विश्रांती असते. म्हणजे कामात वाह बदल केला की ती म्हणजे वाह विश्रांती होते, विरंगुळा होतो, जरा डोक्याला वेगळी एक्झॅक्टली चालना मिळते. सो हे खूप लहानपणापासून मला त्यांनी सांगितलंय. सो मैंने वही रास्ते पे मैं चल रही थी और टाइम फाइनली कंप्लीट मैनेजमेंट ये हुआ. बहुत या 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 इम्पोर्टेंट था आई थिंक या या मुग्धा हमने देखा है आप क्लासिकल लाइट तो अच्छा गाती ही है पर नाट्य गीत के ऊपर भी आपका विशेष
आपकी रुचि है और वह बहुत सुंदर तरह से पेश करती है, तो वो कैसा है नाट्य गीत की? आपने कुछ अलग तालीम ली है या क्या है? नाट्य गीत की अलग कुछ तालीम तो मैंने नहीं ली है, और क्लासिकल जब सीखना शुरू किया तो मेरे जो पहले गुरु थे उन्होंने मुझे बताया कि जब क्लासिकल की तालीम शुरू रहेगी तो नाट्य गीत का वो जो मांडनी होती है वो अपने आप आ जाती है। आ और जाती मैंने मैंने बहुत सारे लोगों का नाट्य गीत सुना, और रामभाऊ मराठे जी का, है। वसंतराव जी का बहुत बहुत सुना। और वाह। आई यूज टू लिसन ऑन लूप, म्हणजे मी इतकं ते ऐकायचे की त्याचं कशा पद्धतीने ते मांडलंय किंवा काय एक्झॅक्ट सांगायचंय हे मी खूप ऐकून ऐकून केलं। म्हणजे मी असं प्रॉपर नाट्य गीत मैंने किसी से भी नहीं सीखा, सीखा नहीं है। लेकिन सुनने बहुत सारा हम लोग सीख जाते हैं सुनने के वजह से। सो लिसनिंग टू अ गुड म्यूजिक इज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, इज अ वेरी गुड लर्निंग मेथड, असं म्हणेन मी। या दो लाइन इतनी नाटिका या आई थिंक हम इसे आपको कुछ तरी छोड़ने ना वाले नहीं श्रीरंगा श्रीरंगा है। कमलाकांता ची फरमाइश आई थिंक कुठे तरी कमेंट्स मध्ये मला दिसलीये, तो यस यस मी तेच या म्हणते। या फरमाइशी बहुत सारी आई है पर हमें आई टाइम लिमिट है तो थिंक अभी फरमाइश का इसलिए एक और लाइव सेशन करना पड़ेगा। या एग्जैक्टली श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, हरिपद राते सोड रे, हरिपद राते सोड रे, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, हरिपद राते सोड रे, हरिपद राते सोड रे, ब्रिजवासी नारी आम्ही ब्रिजवासी नारी, ब्रिजवासी ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी, जात सोगी बाजारी हो, जात सोगी बाजारी हो, जात सोगी बाजारी हो, कान्हा का मुरारी, कान्हा का मुरारी, कान्हा का मुरारी, कान्हा का मुरारी, मुरारी, कान्हा का मुरारी, कान्हा का वाह मुरारी, अडविता का कंदारी, मथुरेचा बाजारी, पाहू मजा हो, पाहू मजा हो, पाहू मजा हो, पाहू मजा हो,
पाहु मदा हो गिरिधार, विकुन बनी तदहि बोड़ रे, विकुन बनी तदहि बोड़ रे, श्री रंगा कमला कांता, 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 कमला कांता, कमला कांता, श्री रंगा कमला कांता, हरि पद राते सोड़ रे, हरि पद राते, हरि पद राते, हरि पद राते सोड़ रे। वाह वाह, थैंक वेरी यू, थैंक यू। नाइस, ग्रेट। वो वापस फिर से ऐसा लग रहा है कि सुनना ही चाहिए, क्यों बोलना है। ओके, तो मुग्धा, और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में, जो है फैमिली सपोर्ट। उसके बिना हम एक लेवल तक जा सकते हैं, पर वो जो होता उसके है आगे नहीं एग्जैक्टली, जा सकते। तो मैंने देखा है आपकी माँ, आपके पिताजी और आपकी बहन, तीनों ने तीनों वो हमेशा होती है, और खास करके आपके पिताजी आपके साथ हमेशा हर प्रोग्राम में वो ऑलमोस्ट रहते ही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि वो उनका सब संभाल के आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनके बारे में कुछ। आई थिंक नथिंग कैन बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ युअर पेरेंट्स। आणि म्हणजे त्यांचा एवढा खूप छान सपोर्ट आहे प्रत्येक गोष्टीला, किंवा इव्हन सारेगमप पासूनच त्यांचा खूप छान सपोर्ट आहे। बोथ ऑफ देम हॅव सपोर्टेड लाईक नथिंग। सो आणि म्हणजे खूपच छान सपोर्ट होता पहिल्यापासून। आणि प्रत्येक वेळी म्हणजे तेव्हा असं व्हायचं की प्रसिद्धी मिळणे के बाद वो एक काय म्हणू आपण, थोडंसं गर्व येतो लहानपणी। आपल्याला कळत नसतं, आपण लहान असतो खूप, पण आजूबाजूची लोक खूप आपल्याला आपलं आपलं कौतुक करतात, आपल्याला आपलं अप्रिसिएशन करतात। सो वो एक आदत पड़ जाती है कि अब मेरा करियर हो गया, अब सब हो चुका है, अब असं असंच ते व्हायला लागतं। आणि दॅट इज द पॉइंट की जिथे आपल्याला आपल्या आई बाबांनी कान पिळणं गरजेचं असतं, आपल्याला ओरडणं गरजेचं असतं। आणि मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मार्फतच ते आपल्याला सपोर्ट करत असतात। आणि जितकं म्हणजे जितकं ते बाहेरून सपोर्ट असतो त्यांचा, तितकं गर्व नाही होना चाहिए। और ये जो किया है, ये अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना है, ये जो भावना जो एक होनी चाहिए वो पेरेंट्स देते हैं, हमारे गुरु देते हैं। सो दैट इज आई थिंक बोथ ऑफ थ्री ऑफ देम रादर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर इन इन द करियर, ऐसा म्हणेंगे। और वो हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बहन तो तानपुरे के साथ के लिए मैंने देखा है, तो इट वाज सो स्वीट। मीन्स ये बहुत ही कमाल की चीज है, तो इट वाज ग्रेट। और एक सवाल है जो बहुत कॉमन है, आपके फेवरेट सिंगर्स, ओ पहले क्लासिकल फिर पहले लाइट। तो शुभदा ताई मोस्ट फेवरेट, आणि गजानन बुवा जोशी जी, त्याच्यानंतर उल्हास जी, उल्हास कशाळकर जी, रामभाऊ मराठे, पंडित भीमसेन जोशी जी, आणि भरपूर आहेत, म्हणजे असं मी एक सांगू नाही शकत आहे, बबनराव जी। आणि ह्या सगळ्यांचं गाणं ऐकताना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सीखने के लिए मिलता है। और इन सब बुजुर्गों का गाना सुनने के बाद ये भावना मन में आती है कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत सारा करना बाकी है। और दैट इज द इम्पॉर्टेंट आई थिंक, कारण ती खूप खूप महत्वाची गोष्ट असते की आपल्याला अजून काहीच येत नाही आणि आपल्याला अजून भरपूर काही करायचंय। हे जेव्हा आपल्याला वाटतं तेव्हाच आपण त्या दृष्टीने मेहनत करतो, त्यामुळे हे फिलिंग
पॉझिटिवली ह्या सगळ्यांचं गाणं ऐकताना येतं. असं होतं की हे खूप काहीतरी प्रचंड गातात आणि आपल्याला आपण त्याच्यामुळे डिस्करेज होतोय. सो असं कधी होत नाही, ती एक एनकरेजमेंटचीच प्रोसेस असते आणि वो एनकरेजमेंट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इन सब बुजुर्गों का गाना सुनने के बाद यही होता है. और या तो मतलब अच्छा गाने के पहले अच्छा सुनना या बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वो है. बहुत बहुत जरूरी या और इंस्ट्रूमेंट आप सुनती हो क्या और कौन सा अच्छा लगता है और हु इज योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन? या बहुत सारे हैं. मैं बुजुर्गों का पहला बताती हूँ. गजानन बुआ जोशी जी बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे. तो गजानन बुआ जोशी जी का वायलिन, मधु बुआ जोशी जी का भी वायलिन. वायलिन में मेरा थोड़ा ज्यादा मला खूप आवडतं वायलिन. आणि त्यामुळे वायलिन वायलिन जे काही जी लोक वाजवत आहेत आत्ता सुद्धा. आणि मी खास करून यज्ञेशचं नाव घेईन. यज्ञेश आय थिंक आपल्याला जॉईन झाला होता त्याचा काहीतरी, मी असं कमेंट मध्ये वाचल्यासारखं वाटतंय. सो यज्ञेश ही इज अ जिनियस म्युझिशियन आणि इज खूप वंडरफुल, छान वाजवतो तो. तर यज्ञेश आवडतो, नो डाउट. यज्ञेशचं प्लेइंग आवडतं. मिलिंद रायकर जी का भी बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है. वो बहुत ही अच्छा और मीठा बजाते हैं और बहुत सुदिंग लगता है. तो या या दैट्स इट. शाहिद परवेज जी, या या मैं भूल गई, शाहिद परवेज जी का भी सितार. बहुत ही अच्छा. और वो जो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो राग होता है, चारुकेशी नट भैरव, ये राग बहुत ही अच्छा अच्छा उनका जब हम लोग सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा सीखने के लिए मिलता है. क्योंकि वो जो एक माहौल हो जाता है चारुकेशी राग का और नट भैरव राग का, वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा होता है. इंस्ट्रूमेंट का खुद का एक माहौल होता है और राग का माहौल, ये दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक. सो या मुग्धा हमारा हम कुछ 5 मिनट और ले सकते हैं पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एकम्पनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब आप क्लासिकल गाते हो तो उनका कितना कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है एक महफिल बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है. क्योंकि सिर्फ सिर्फ गायक नहीं गा सकता है, सिर्फ गायिका नहीं गा सकती है. अकम्पनीमेंट की बहुत ही जरूरत होती है और बहुत अच्छी अकम्पनीमेंट की जरूरत होती है. और शुभदाताई कायम म्हणतात की छान ठेका असला की गाणं रंगतं. आणि बेसिक ही अट असते, बेसिक ही गरज असते, आठ नाही, बेसिक गरज अशी असते की खूप छान ठेका असला पाहिजे. आणि ते असं कायम भरायला दिलं, म्हणजे तबल्यात आवर्तन जर भरायला दिलं आणि त्याचा मजा घेत आपण जर गायलो तर ते गाणं अधिक चांगलं होतं. आणि त्या काय म्हणतात की फक्त, म्हणजे बरेचदा असं होतं की आवर्तन भरलं नाही तर बरं होईल असं खूप कलाकार सांगतात. पण ह्याच्या विरुद्ध कायम शुभदाताई आपल्याला सांगतात की त्यांनाही तेवढं वाजवायला आपण दिलं पाहिजे आणि रादर त्याच्यामुळे गाणं अजून रंगतं. सो साथीदारांना आपण ते प्रॉपर सगळं या त्यांचं वो सब त्यांच्या तीनों वाटणीचं का आहे ते दिलं पाहिजे. मिलके. या 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 That's great. So Mugdha, thank you so much. आप आज हमारे लिए अपने वक्त निकाला और इतना अच्छा अपने इन्फॉर्मेटिव बातचीत हुई तो या बहुत अच्छा थैंक लगा. यू, थैंक यू सो मच और क्षितिजा. आणि मला यस खूप छान वाटलं आणि आपण असं पहिल्यांदा बोललोय आणि खूप कम्फर्टेबल झालो लगेच, त्यामुळे खूप छान हो वाटलं. हो आणि क्लासिकल म्युझिक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहती हूँ, धन्यवाद मानती हूँ. खरं तर माझं हिंदीतनं क्लासिकल संदर्भात किंवा लाईट संदर्भात बोलण्याची ही पहिली वेळ होती. आणि जर काही चुकलं असेल तर सगळ्यांनी सांभाळून घेतलं असेल आय नो. आणि थँक्स इट्स अ लॉट वन्स ओके. अगेन. लैंग्वेज इज ओनली द मीडियम या तो इट्स ओके.
अगेन आई वुड लाइक टू थैंक क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया एंड चैतन्य देशपांडे. या इन्होंने इतना चैतन्य अच्छा देशपांडे, इतनी अच्छी सीरीज शुरू की है. और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यंग आर्टिस्ट हमें बातचीत करने के लिए मिलने वाले हैं. तो आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए. और अभी मुग्धा को हम फिलहाल बाय करते या हैं और हम जल्दी फिर से मिलेंगे. और जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस और यस वो बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंट हैं, तो ऑलमोस्ट आपण या एक तास बोलतोय, त्याच्यामुळे ते एक तास आपल्या हो बरोबर आहेत। आणि खूब खूब थँक यू, आणि असंच प्रेम आम्हा सगळ्यांवर करत राहा ही विनंती आहे। थैंक यू सो मच मुग्धा एंड या थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग हियर. सो थैंक यू. गुड बाय. बाय बाय। या